हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा सेकंड क्वेश्चन आज के कॉन्टेस्ट से, एंड प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 2294, पार्टीशन एरे सच दैट मैक्सिमम डिफरेंस इज के। तो हमसे इस प्रॉब्लम में बोला क्या गया है, हमें गिवेन होगा एक एरे, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं, 36125, 36125। हमसे क्या बोला गया इस प्रॉब्लम में कि हम इसमें कोई भी सबसिक्वेंसेस ले सकते हैं, कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं सबसिक्वेंसेस के, ठीक है। और हमसे क्या बोला गया है कि के वैल्यू दी जाएगी एक हमें, के बेसिकली क्या होगा कि अगर मान लो हमने सबसिक्वेंस ले लिया क्या 315, तो इसमें मैक्सिमम एलिमेंट क्या है 5, मिनिमम एलिमेंट क्या है 3, 5 और 3 क्या मिला 2। 2 जो है बेसिकली वो हमारा 3 से छोटा होना चाहिए या 3 के बराबर होना चाहिए, मतलब 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए 2, ठीक है। तो जो भी मैक्सिमम एलिमेंट माइनस मिनिमम एलिमेंट इन अ सबसिक्वेंस होने चाहिए वो हमारा के से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमसे प्रॉब्लम में ये कहा गया है और हमको बताना कि कितने सबसिक्वेंस, मिनिमम कितने सबसिक्वेंस हमारे पास होंगे, ठीक है। हमें क्या बोला गया यहाँ पे कि यहाँ पे हमसे क्या बोला गया, रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ सबसिक्वेंसेस, सबसे कम कितने सबसिक्वेंस बनेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज करने वाले सॉर्टिंग, ठीक है। सॉर्टिंग से क्वेश्चन हमारा काफी आसान हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को फर्स्ट को कंसिडर करते हैं एग्जाम्पल को 36125 और के की वैल्यू क्या है 2, वॉट डज दैट मीन, दिस मीन इज सबसे पहले इसको अगर हम सॉर्ट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 5 6। अब हम क्या करेंगे, हम हमारे जो भी हमारा पहला एलिमेंट होगा ये तो हमारा सबसिक्वेंस में आएगा, हमने इसको ले लिया, और अगर ये हमारा सबसिक्वेंस में है तो सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या हो सकता है इस सबसिक्वेंस में, इसके अलावा 1 प्लस 2 दैट इज 3 तक के नंबर इस सबसिक्वेंस में आ सकते हैं। तो 1 आएगा, हाँ आएगा, 2 आएगा, हाँ आएगा, 3 आएगा, हाँ आएगा, क्या 5 आएगा, नहीं आएगा। तो यहां तक हमारा एक सबसिक्वेंस हो गया और इसके अलावा कोई भी एलिमेंट्स नहीं आएंगे क्योंकि इससे के 5 या फिर 5 से बड़े ही एलिमेंट बाकी होंगे। फिर जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो 5 को लेंगे, अगर हमने 5 एक एलिमेंट ले लिया है तो हम बाकी एलिमेंट कौन से ले सकते हैं, 5 प्लस 2 7 तक के हम एलिमेंट, 5 प्लस 2 दैट इज 7 तक के एलिमेंट हम ले सकते हैं। तो क्या 5 ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, क्या 6 ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। तो 5 6 हमारा दूसरा सबसिक्वेंस हो गया। तो के इज इक्वल टू 2 के लिए कितने सबसिक्वेंस पॉसिबल है 2, जो कि हमारा आउटपुट होगा यहाँ पे। अगर फॉर एग्जाम्पल हम कंसीडर करते हैं हमारे पास क्या होता है, के इज इक्वल टू 1 हो जाता है बाई चांस, ठीक है, तब देखते हैं हमारे पास कितने एग्जाम्पल होते हैं। अगर के इज इक्वल टू 1 हो जाता है, इसको सॉर्ट करते तो क्या होता है 1 2 3 5 6, ठीक है 1 2 3 5 6। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे के इज इक्वल टू 1, अगर हम 1 को लेते अपने एक सबसिक्वेंस में तो मैक्सिमम वैल्यू कहां तक ले सकते थे, 1 प्लस 1 2 तक की, तो 1 ले सकते थे, इस 2 को भी ले सकते थे, क्या 3 ले सकते थे, नहीं ले सकते, तो 1 2 तक एक सबसिक्वेंस हो गया। फिर हम आते 3 के अंदर, अगर हम 3 के पास आए तो 3 को अगर हम ले रहे हैं सबसिक्वेंस में तो 3 प्लस 1 4 तक के ले सकते, क्या अगला एलिमेंट 4 है, नहीं 5 है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट रहेगा। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे 5 को, अगर हम 5 को ले रहे हैं तो कहां तक के एलिमेंट्स ले सकते हैं, 5 प्लस 1 6, तो 5 कॉमा 6, यहाँ पे टोटल कितने सबसिक्वेंस लगेंगे 3 के लिए। तो ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन, हमें यहाँ पे सॉर्टिंग का यूज करना था। अब सॉर्ट करने के बाद हमको क्या करना है, सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे हमारे सॉल्यूशन को सॉर्ट करना है। तो सबसे पहले सॉर्ट कर देंगे जो भी हमें गिवेन होगा, नम्स डॉट बिगिन कॉमा नम्स डॉट एंड, ठीक है, यहाँ पे हम इसको सॉर्ट कर रहे हैं। सॉर्ट करने के बाद नेक्स्ट चीज हमको क्या करनी है, सॉर्ट करने के बाद हमको यहाँ पे एक काउंट नाम का वेरिएबल बना लेना है जो कि इनिशियली 0 रहेगा, और काउंट बेसिकली क्या स्टोर करेगा, काउंट बेसिकली हमारा स्टोर करेगा कि हमारे पास कितने सबसिक्वेंस है, और उसके बाद फॉर के अंदर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, यहां तक हम चलाने वाले हैं। और इसके अंदर बेसिकली अगर हम इस फॉर लूप के अंदर एक भी बार जाते हैं मतलब हमारे पास सबसिक्वेंस तो होगा ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सी कि कहां तक हो सकता है, अगर हमने मान लो 1 2 3 4 5 है, ठीक है, और के की वैल्यू 2 है, और अगर हमारा फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो हमारे पास बेसिकली ए आर आर ऑफ 0 होगा या फिर ए आर आर ऑफ आई होगा, तो ए आर आर ऑफ आई प्लस के तक हम जा सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम इतने एलिमेंट्स ले सकते हैं।
तो जितने भी एलिमेंट्स ए आर आर ऑफ आई प्लस के होंगे उनको हम स्किप कर देंगे, तो 1 प्लस 2 3 तक हम जा सकते हैं। तो 1 होगा तो इसको स्किप करेंगे, 2 को स्किप करेंगे, 3 को स्किप करेंगे, एक और 3 होता तो इसको भी स्किप करते, फिर हम डायरेक्टली नेक्स्ट टाइम 4 में आते और 4 प्लस 2 6 तक के एलिमेंट्स को स्किप करते, तो हमारे पास 2 सब सिक्वेंस होते। तो यहाँ पे सिंपल हमने क्या निकाल लिया, मैक्सिमम कहाँ तक जाना है, और वहां पे हम क्या करेंगे, जब तक हमारे पास वाइल जब तक हमारे पास यहाँ पे i n से छोटा है एंड एंड i हमारा n से छोटा है एंड उसके साथ हमको क्या देखना है, उसके साथ हमको ये देखना है कि एरे ऑफ i अगर हमारा छोटा है या फिर बराबर है मैक्सी से, इस केस में हम क्या कर देंगे, i प्लस प्लस जितने भी नंबर हमारे पास होंगे सभी को स्किप कर देंगे, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो, इस i प्लस प्लस को जो हमने यूज किया ये हमारा किसी काम नहीं आएगा, इससे बेसिकली रिजल्ट गलत होगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 है और k इज इक्वल टू 2 है, तो सबसे पहले k इज इक्वल टू 1, ठीक है, यहाँ पे आएगा तो हमारे काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी, एक सबसिक्वेंस 1 से लेकर के 1 पे आएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 पे भी हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, i हमारा जैसे ही 4 पे आएगा तो ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, और कहाँ पे जाएगा, i प्लस प्लस में जाएगा, तो वो डायरेक्ट 5 में चला जाएगा और 4 को इग्नोर कर देगा, इसलिए हमको यहाँ पे अपडेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि हम अपडेशन यहाँ पे ही कर देंगे, ठीक है। ये हमने कर दिया तो हमें ये ध्यान रखना था, और जैसे ही हमारा फॉर लूप खत्म होगा ये हमको क्या दे देगा, ये हमको रिटर्न कर देगा हमारा काउंट जो कि क्या होगा, नंबर ऑफ सबसिक्वेंस। तो यहाँ पे हमारी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो क्या होगी, हम यहाँ पे सॉर्टिंग कर रहे हैं जो कि एन लॉग एन लेगा और फॉर लूप चला रहे हैं जो कि एन ले रहा है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल बिगो ऑफ एन लॉग एन बोल सकते हैं। वही अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी देखे तो कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहा, तो वो हमारी कॉन्स्टेंट होगी। तो चलिए चलते अपने एडिटर के ऊपर और इसे कोड करते हैं। आ चुके हम अपने एडिटर के ऊपर, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हम यहाँ पे अपना n ले लेते हैं। n बेसिकली क्या होगा, n हमारा होगा जो भी हमारा गिवन एरे डॉट साइज, ठीक है, उसकी साइज होगी। फिर हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, फिर हम यहाँ पे काउंट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं जो कि बेसिकली स्टोर करेगा क्या, हमारे पास कितने नंबर ऑफ सबसिक्वेंसेज होंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने इस वेक्टर को सॉर्ट करेंगे। वेक्टर को सॉर्ट करने के लिए सॉर्ट फंक्शन को यूज करेंगे, सॉर्ट नम्स डॉट बिगिन, ठीक है, नम्स डॉट बिगिन कॉमा नम्स डॉट एंड। तो बेसिकली इसको हमने क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया है। सॉर्टिंग के बाद नेक्स्ट चीज हमको क्या करनी है, जैसे ही हमारा वेक्टर सॉर्ट हुआ हम अपना फॉर लूप चलाएंगे, कहाँ से कहाँ तक, इंट आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस देन एन तक चलाएंगे, और यहाँ पे अपडेशन हमको नहीं करना है तो अपडेशन की जगह पे एम्प्टी छोड़ देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले काउंट प्लस प्लस कर देंगे, क्यों, क्योंकि काउंट बेसिकली हमारा क्या स्टोर करने वाला है, काउंट हमारा स्टोर करेगा कि हमारे पास कितने सबसिक्वेंस है, ठीक है। और उसके बाद एक मैक्सिमम वेरिएबल बना लेते हैं, इंट मैक्सी, जो कि बेसिकली बताएगा कि मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं हमारे उस सवेरे, मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स नहीं, कितने नंबर तक के एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा अभी हमारा जो भी एलिमेंट है प्लस के, यहाँ तक कि हम इस सबसिक्वेंस में रख सकते हैं। तो व्हाइल लूप चला देते हैं, while i is less than n and and उसके साथ क्या है, array of i जो है बेसिकली हमारा जब तक ये लेस होगा या फिर इक्वल होगा किसके, मैक्सी के, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे सिंपल i प्लस प्लस करते रहेंगे। और जैसे ही हमारा फॉर लूप खत्म होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें हमारा काउंट मिल जाएगा, तो हम क्या कर देंगे रिटर्न सी एन टी और ये हमें काउंट मिल जाएगा। इसे रन करके देख लेते हैं सैंपल टेस्ट केस के लिए। यहाँ पे ए आर आर पे एरर आए, क्यों, क्योंकि हमारे पास ए आर आर नहीं नम्स होगा, तो हर जगह जहां जहां पर ए आर आर है उसको नम्स कर देते हैं, ए आर आर इसको नम्स कर देते हैं, इसको भी नम्स कर देते हैं। अब भी रन करते हैं, नाउ इट शुड रन फाइन, लेट्स सी। ये हमारा सैंपल टेस्ट केस के लिए रन हो गया, इसे सबमिट करते हैं और रिजल्ट देखते हैं हमारा, ये हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। इसके अलावा अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।